पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़ित परिवार। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर मुख्यालय के परशुराम तालाब बांदा का है, जहां पर रामलखन पुत्र शिवलाला निवासी परशुराम तालाब थाना कोतवाली नगर बांदा जिले में बांदा में रहता था। पार्थे का परिवार झाड़ू बनाकर बेहतर उससे पार्थे का खर्चा चलता था। खास रिपोर्ट जिला संवाददाता बादल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कहां से आए हैं आप लोग? राम ताला। अच्छा, क्या हुआ है, क्या मामला है? हमारे मकान पे चार पांच लोग मुसलमान, वो हमारे मकान की सीढ़ियाँ फोड़ने लगे हैं। हमने समझौता किया तो हमारी माँ पे मारने लगे हैं, ली गए बचाने तो हमें मारा चार पांच। अच्छा, कितने समय की घटना है ये? 11:30 बजे की। क्या कह रहे थे? कह रहे कि तू अपना दरवाज़ा बंद रखिए और हम यहाँ से दीवार झुंड से उठा देंगे और कह रहे मकान से भी निकाल देंगे। अच्छा, किस बात को लेकर? इस बात वो कह रहे हैं कि ये हमारी जगह जमीन है, वो कह रहे ये मकान अकान हमारे कब्जे कर दो, मार मार के अपनी यार हमारी बहन बचाने आई, हमारी बहन को मार रहा है। आप लोग आज एसपी के पास में गए थे मिलने, क्या कहा उन्होंने? तो सर ने कहा कि आपकी सुनाई होगी, हम फोन कर दिया वो थाने चौकी जाइए, थाने जाइए। क्या नाम है आपका, कहाँ आई हैं आप? बसराम ताला से आए सर, कपड़िया मोहल्ला से। कहाँ आई हैं आप? आप आए साहब से, हम दरसात देने आए। किस बात को लेकर? इस बात के लिए आए हैं कि हमारी मकान है, मकान से हमारा कब्जा कर रहे हैं, हमारी सीढ़ी फोड़ने लगे हैं, फोड़ के हमारे लड़का कहने लगा किसी फोड़ रहे हो तो हमारे लड़के को भी मारा, मेरी लड़की को मारा, मुझे भी मारा, अंदर घुस के हमको तीनों माँ बेटे को सबको मारा। किन लोगों ने मारा? मुसलमान ने मारा, कल्लू के लड़के, चार पांच लड़के हैं, तो मोहल्ला वाले आके हमको बचाए। आज आप लोग अंदर गए थे, क्या कहा उन्होंने? तो कह रहे हैं कि तुम जाइए चौकी, वहाँ तुम्हारी कार्रवाई हो। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं सर कि हमारी जमीन हमको दे दें और अपना जहाँ से हो अपना बनाए।